तेरी औकात क्या है तुझे मैं बताऊं, तुझे तो मैं फाड़ कर रख दूंगा। ये शब्द है नागदा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 19 से बीजेपी पार्षद महेश सिंह चौहान की। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था तो पार्षद ने पड़ोसी महिला को धमकाते हुए जमकर गालियां दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी पार्षद महेश सिंह चौहान दयानंद कॉलोनी में रहते हैं। उनके पड़ोस में ममता बैरागी रहती हैं। गुरुवार को पड़ोसियों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों सड़क पर भी भिड़ गए। पार्षद ने महिला को धमकाते हुए कहा कि तू वही है ना जो फोन करके कह रही थी कि मुझे तेरी जरूरत है, और न जाने क्या क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। उन्होंने महिला के बेटे के साथ भी अभद्रता की। पीड़िता शुक्रवार को थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाई। ममता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे उनका बेटा दीपेश बाइक से घर आ रहा था। जामुन चौक पर पार्षद और लोक निर्माण प्रभारी महेंद्र सिंह का बेटा गौरव अपनी कार धो रहा था। दीपेश ने गौरव को गाड़ी साइड में हटाने को कहा तो गौरव ने दीपेश के साथ अभद्रता की। मैंने गौरव को समझाने का प्रयास किया तो गौरव के पिता महेंद्र सिंह आ गए। उन्होंने धमकाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। नागदा थाने के TI श्यामचंद शर्मा ने बताया कि पार्षद के खिलाफ महिला ने आवेदन दिया था। वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है। खत्म करो यार, समझा। नेक्स्ट करना।